हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है तुम्हारा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है हाई प्रोटीन मील के ऊपर होने जा रही है। ये हाई प्रोटीन मील उनके लिए जो बंदे अपने बॉडी में थोड़े लीन गेनिंग करना चाहते हैं, थोड़ा मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है भाई। सर्दियों का मौसम सबसे बेस्ट माना जाता है अगर तुम्हें अपनी बॉडी में थोड़ा मसल मास इंक्रीज करना है, तो हेल्दी वेट पुट ऑन करना है। तो और अभी आपको दिखाता हूँ ये मील। इस मील को भाई आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और अपने पोस्ट वर्कआउट मील में भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में इसलिए क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी फास्ट पे रहती है, तो सुबह जब हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी को अच्छी तरह पूरे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। और ये जो मील है पूरी न्यूट्रिशन से भरी है, इसमें कार्ब्स हाई है, प्रोटीन हाई है और थोड़े से अपने मिड फैट्स है। और पोस्ट वर्कआउट में इसलिए क्योंकि पोस्ट वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहती है, तो कुछ भी हम बॉडी में डालते हैं तो बॉडी उसके न्यूट्रिशन अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाती है। तो भाई 3 महीने कटिंग चल रही थी मेरी, 1 महीना तो हो गया, 1 महीना हो गया। और 1 महीने में भाई मैंने 7 से 8 किलो वजन तोड़ लिया अपना। 81 पे था, अब फिलहाल 73 पे हूँ। 2 महीने और रहते हैं कटिंग पे, एब्स भाई थोड़े विजिबल होने लग गए। इसको 1-1.5 महीने में अच्छी तरह शेडेड विजिबल कर लेंगे। और 2 महीने बचे हैं कटिंग के, तो कोशिश करेंगे कुछ अच्छा ही करें। तो दिखाता हूँ आपको, चलो अपनी वो मील, या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो या पोस्ट वर्कआउट मील में भी ले सकते हो। और ये उनके लिए है भाई जो लीन गेनिंग करना चाहता है, मसल मास ऐड ऑन करना चाहता है। जो बंदे फैट लॉस कर रहे हैं ये मील उनके लिए नहीं है, तो ध्यान रखना। चलिए दिखाता हूँ आपको मील। तो भाई ये है वो अपनी मील, अब देख लो इसमें क्या क्या है। इसमें भाई 4 तो ब्राउन ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड के अंदर लगा हुआ है पीनट बटर। 4 ब्राउन ब्रेड है, पीनट बटर लगा हुआ है। ये है भाई 0.5 लीटर डबल टोन मिल्क। डबल टोन मिल्क इसलिए भाई ये फैट परसेंट में फुल क्रीम के मुताबिक कम रहती है इसकी फैट परसेंट, पर प्रोटीन क्वांटिटी उतनी रहती है जितनी कि फुल क्रीम दूध में रहती है, तो इसलिए बेस्ट है। और है भाई 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये एक प्रॉपर मील है भाई, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे इसमें ब्राउन ब्रेड से, गुड फैट्स मिल जाएंगे आपको पीनट बटर से, जो थोड़े माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं कैल्शियम आयरन विटामिन वगैरह वो आपको मिल जाएंगे मिल्क से, और मिल्क से भाई प्रोटीन भी मिलेगा आपको। और ये है 1 स्कूप वे प्रोटीन, प्रोटीन इससे मिलेगा ही। तो गाइज ये है इस मील के मैक्रोस, 58 ग्राम प्रोटीन, 23 ग्राम फैट्स, 79 ग्राम कार्ब्स एंड 769 कैलोरीज। इस मील को भाई आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, कार्ब्स प्रोटीन फैट्स थोड़े माइक्रो न्यूट्रिशन भी मिल रहे हैं। और इस मील को आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील में भी ले सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट के टाइम हमारे मसल टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। केवल बॉडी को वर्कआउट के बाद प्रोटीन ही नहीं चाहिए होता, सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं आपको। अगर अच्छी लीन गेनिंग करनी है तो उसको कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और थोड़े माइक्रो न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो वर्कआउट के बाद भी ये मील बेस्ट है, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।